नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है नई उम्मीद के वेब टीवी में और मैं हूं आपका दोस्त निर्भय का। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक नई मुलाकात में, एक नई कड़ी में हम नए शख्सियत से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में उनकी क्या भूमिका होती है, वो क्या करते हैं। आज इसी सिलसिले में हम सप्तरी के राजबिराज में आ पहुँचे हैं और हमारे साथ हैं जनमत पार्टी के केंद्रीय सदस्य तथा सप्तरी जिला के संयोजक सुरेंद्र मधेसी जी। नमस्कार। हमें ये बताएं कि आप पहले स्वतंत्र मधेश की बात करते थे, जनमत पार्टी नहीं होकर सी डॉक्टर सी के रॉजी के आप लोग अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। एकाएक ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप लोग मूल राजनीति में आ गए? सबसे पहली बात ये है कि स्वतंत्रता जो है वो हर एक नागरिक की मौलिक हक है और उसके लिए लड़ना कोई मतलब नहीं, गलत बात नहीं है और उसके लिए हम लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं और कल भी आम जनता के स्वतंत्रता के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे जी। और सबसे पहली बात जो थी, जो हम लोग स्वतंत्रता की बात कर रहे थे तो यहाँ के शासक वर्ग लोग उससे मतलब डर गए थे या कि क्या बोलता, उन लोग भयभीत हो चुके थे जी। उसके कारण से अब सरकार ने भी हम लोगों को बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शन दिया। अब आखिर तो राजनीति की होती है और जिसमें समाज सेवा के लिए ही किया जाता है जी, और जनता के लिए ही किया जाता है और जनता के स्वतंत्रता के लिए ही किया जाता है जी। तो जनमत पार्टी को अभी निर्माण हुए कुछ ही महीने हुए हैं, ऐसे में क्या लगता है जनमत पार्टी किस उद्देश्य को लेकर अपने राजनीतिक करियर को स्टार्ट की है? जैसे कि अभी हम लोगों का जनमत पार्टी की उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य है कि जन संप्रभुता, उसके बाद सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और समाजवाद का क्या बोलता है मूल्य सैद्धांतिक और सामुदायिक स्वराज का वैचारिक सिद्धांत लेके समाज में गया है और उसके बाद क्या बोलता है विभिन्न किस्म के भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, उसके बाद जो डिफोरेस्टेशन जो हो रहा है क्या बोलता है मधेश में बहुत सारा क्या बोलता है अप्रवासी क्या बोलता है बसोबास हो रहा है, इन सबों का मुद्दा बनाकर और आगे आ रहा है जनता के बीच में, भ्रष्टाचार को कैसे न्यूनीकरण किया जाएगा और बहुत सारा समस्या भी है हमारे समाज के अंदर भी है जिसके कारण हमारे लक्ष्य में भी कुछ बाधाएं हुआ और उसका चेतना करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपकी पार्टी पे यह भी आरोप लग रहा है कि आप ओली सरकार की यानी नेकपा सरकार की ए पार्टी है या उनकी थ्रू तैयार किया गया एक जनमत पार्टी है, कुछ ऐसा क्या है इसमें? ऐसा तो कुछ नहीं है, ये सब निराधार बातें हैं। लोग अपने तरीके से अपना डिफिनेशन दे देता है। यहाँ पे जो नेपाल का अगर समग्र राजनीति का जो एक देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ भ्रम का खेती होता है जी। अब कभी प्रधानमंत्री गिरजा बाबू भी थे जी। उन्होंने क्या बोलता है प्रचंड और माओवादी जो थे उन लोग से भी सहमति किए नहीं तो क्या वो कांग्रेस तो नहीं हो गए थे ना जी। वो कांग्रेस का पार्टी तो नहीं था ना बनाया हुआ जी। हम लोग से भी नेपाल सरकार से सहमति हुआ स्वतंत्र मधेश के साथ जी। और नेपाल सरकार का सॉरी राष्ट्र प्रमुख जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का MLA का ही है तो उनको तो वहाँ पे आना ही पड़ेगा। और हम लोग का स्वतंत्र मधेश गठबंधन जो था उसका भी प्रमुख जो था वो सीके राव जी थे जी। तो उनको भी वहाँ पे तो सहमति करने के लिए पहुँचना ही था, लेकिन अब विरोधी लोग अपना तरीका से अपना डिफिनेशन देता है, लेकिन वक्त आएगा सबको सब कुछ पता चल जाएगा जी। एक भ्रम की आपने बात की तो एक भ्रम यह भी फैला या एक अफवाह भी था कि सप्तरी के एक सीट को खाली कर दिया गया सीके राव जी के लिए और वो सांसद ने अपने राजीनामा सभामुख के समक्ष रख दिया, लेकिन बाद में काफ़ी कुछ विवाद हुआ, शायद आंतरिक कुछ विवाद हुआ और उन्होंने सीट उनका राजीनामा स्वीकार नहीं किया गया, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सब निराधार बातें हैं, ये सब चीज़ में कोई मतलब सच्चाई की तो कोई बात ही नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब के लिए भी वो नहीं था, उन लोग का अपना आंतरिक पार्टी के भीतर में क्या क्या था वो सब हम तो नहीं बता सकते जी, लेकिन
ये सब निराधार बातें हैं कि डॉक्टर साहब के लिए जो किया गया था ये सब निराधार बात, क्योंकि अभी चुनाव आने में 3 साल अभी भी और बाकी, चाहे स्थानीय चुनाव चाहे प्रदेश सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की, इन दरमियान इन 3 सालों में आपकी पार्टी की रणनीति क्या है, किस तरीके से वो अपनी मजबूती से आगे बढ़े ताकि वो केंद्र में प्रदेश में और स्थान में कुछ अच्छा स्थान अच्छा मुकाम हासिल कर पाए। अभी हम लोग भी कुछ रणनीति के हिसाब ही जा रहे हैं हर जगह। पहले भी हम लोग जब स्वतंत्र मधेश गठबंधन में थे तो बहुत सारा हम लोग का कार्यकर्ता था हर जगह, क्या बोलता है अपना समिति सब थे, वो सब समिति को सुदृढ़ करते हुए नया सदस्यता बांटते हुए अभी हम लोग आगे चल रहे हैं। आगे हम लोग का अधिवेशन होगा हर जगह, संगठन निर्माण की प्रक्रिया में हम लोग अब धीरे धीरे आगे चलते चलते बैठक सब होगा। अभी आगे मंसिर 10 गते जिसको अगहन 10 गते कहते हैं, रंगभेदी एकता दिवस का क्या आह्वान किया गया है काठमांडू में जी। और उसमें हर जिले से हम लोग अपना उपस्थिति दर्ज करवाएंगे जी। और जनमत पार्टी के बनने से पहले आप लोग स्वतंत्र मधेश गठबंधन की बात करते, वो आपका एक फोरम था उसके जरिए आप लोग काम करते थे, लेकिन सरकार के दबाव की वजह से कानूनी पेचीदा की वजह से आप लोग खोल के सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन जब जनमत पार्टी सामने आ गई तो जितने भी आपके कार्यकर्ता पहले से ऑलरेडी जुड़े हुए थे वो अब खुल के काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता जो है अपनी, अब युवा पीढ़ी लोग है तो लोग रोजगार भी ढूंढने में व्यस्त रहते हैं जी। और क्या बोलता है, कार्यकर्ता लोग सदृढ़ रूप से काम कर रहा है और अपना अपना जगह से बहुत अच्छा कर रहा है। आपने अधिवेशन की बात की तो क्या एक साल पार्टी के 1 साल पूरे होने के बाद वो महाधिवेशन आप लोग करने जा रहे हैं, क्या उससे पहले भी कुछ करने उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है जी। केंद्र समिति से कोई निर्णय वो नहीं हुआ है जी। पहले हम लोग वाड़ा में करेंगे, गांव में करेंगे जी, उसके बाद जिला में करेंगे, उसके बाद केंद्र का होगा ना जी, प्रदेश में उसके बाद केंद्र का होगा जी। तो उसमें कुछ टाइम लग सकता है। अभी हम लोग नया है जी, सदस्यता भी नया, लोग बहुत सारा लोग इच्छुक है जो ले रहे हैं, तो सबको एक जगह में सुदृढ़ करके ले जाने के लिए कुछ टाइम लगेगा जी। देखा जा रहा है कि डॉक्टर सीके राव जगह जगह भी अपने सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल, अपनी जनमत पार्टी में शामिल करने के लगातार दिन रात एक किए हुए हैं। कितना सदस्य हो चुका है अब तक, आज की बात करें कितने सदस्य पूरे हो चुके हैं आपकी पार्टी के? वो तो अब केंद्रीय कार्य समिति के हैं, अभी तो अब सदस्य तो बन ही रहे हैं जी। अब ऑनलाइन और पहले भी हम लोग स्वतंत्र मधेश गठबंधन में भी थे जी, तो लगभग हम लोग को बहुत सारा सदस्य बना था, 1-2-3 लाख से ज़्यादा सदस्य हम लोग का था। तो अब सब उसमें अब किस तरीके से अपना काम कर रहा था, पहले कोई कर्मचारी थे जी, कोई कहीं पे काम कर रहा था जी, उन लोगों को बड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन अभी जो पार्टी बन गया तो बहुत सारे लोग खुल के अपना काम कर रहा हर जगह अपना क्षेत्र में जी। अभी आपके पार्टी को चिन्ह भी मिल गया है, चुनाव चिन्ह, लॉर्ड स्पीकर जी जी, इस बारे में आपके क्या रहे, कैसा आपको चुनाव चिन्ह मिला है? नहीं देखिए, हम लोग तो जनता में, जन जन में आवाज़ देने के लिए, जन जन में चेतना फैलाने के लिए हम लोगों ने अपना लक्ष्य चुन के आगे आए हैं जी। और उसको सहयोग जो है लाउड स्पीकर ही करेगा जो जन जन में आवाज़ पहुंचाता है। कहने का मतलब जो निर्वाचन आयोग है आपकी बातों को उन्होंने सुन लिया कि लाउड स्पीकर ही ले दिया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से अपनी आवाज़ जनता के पास रख रहे थे लेकिन आवाज़ बुलंद नहीं हो रहा था, लेकिन इस चुनाव चिन्ह के जरिए अपनी आवाज़ बुलंद कर पाएंगे जी। क्या आपकी जनमत पार्टी क्या केंद्र तक सीमित रहे, केंद्र तक वो चली गई? एक्चुअली किसी पार्टी का होता है कि हम केंद्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उसको फैलाएं, लेकिन आपको लगता है कि जिस जितना शॉर्ट टर्म है 3 साल का आपके पास, आप केंद्र में एक धमक दे पाएंगे, एक अच्छी पहुँच बना पाएंगे? देखिए, हम लोग जितना जनता को चेतना देने की प्रयास जो कर रहे हैं उस अनुसार अगर जनता के बीच में जो आवाज़ ले जा रहे हैं जी, सबसे बड़ी बात होती है लोकतंत्र में जनता होती है और उससे सर्वोपरि कोई नहीं है। हमारे संविधान में भी लिखा है सार्वभौम सत्ता जनता के में ही है जी। अगर जनता को हम लोग कन्विंस कर पाए तो हम लोग जरूर दे सकते हैं जी। देखा गया कि मधेश में, वैसे पहले मधेश 20 जिले कहा जाता है, जहाँ जिसे अब 8 जिले में सीमित कर दिया गया, जिसे प्रदेश नंबर 2 के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या आपकी पार्टी
प्रदेश नंबर दो में कुछ अच्छा कर पाए, क्योंकि आपके अगेंस्ट में राजपा और संघीय समाजवादी फोरम यानी कि आप समाजवादी दल हो चुका है, वो आपके सामने में है। कितनी चुनौती दे पाएंगे इन दोनों दलों को आप? हमें कोई दलों से कोई कंपटीशन नहीं है। सबसे पहली बात है, हम लोग जो जन जन में जो चेतना लेके गए हैं, अगर हम जन जन का विश्वास जीतने में अगर सफल हो जाएंगे जी, तो वो चुनौती तो जरूर होगी। तो मधेसी पार्टी के नाम पर अन्य दलों को वोट मिलता रहता है, तो क्या वो वोटर्स, उन वोटर्स को आप लुभा पाएंगे अपनी ओर ले आने में सक्षम रहेंगे? क्या आप भी मधेसी पार्टी कहलाने के लिए इच्छुक हैं, उसकी ओर आगे काम कर रहे हैं? देखिए, जनता का अगर विश्वास जीतने में सफल हो जाएंगे जी, जनता को चेतनशील बनाने में सफल हो जाएंगे जी, ये आखिर आज तक का जो नेपाल का इतिहास है, मतलब प्रजातंत्र का इतिहास जो हो 2007 साल से लेके पहला चुनाव 2015 साल में हुआ, उसके बाद जनमत संग्रह हुआ, उसके बाद विभिन्न चुनाव सब हुआ, और आज तक ने जो जनता को मिला है वो सब अकाउंटेबिलिटी है, और जनता भी उसको क्या बोलता है, परख रहा है, समझ रहा है जी। और हम लोग जो चेतना लेके गए हैं जन जन में जी, उसको भी मतलब जनता परख रहा है जी, कि किस में कि क्या है। उसके बाद अगर हम लोग समय आने पे, अभी भी टाइम है जी, समय तक अगर हम लोग अच्छे से प्रयास करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, जनता का विश्वास जीतने का कोशिश करेंगे, तो हम लोग पके वो सब चीज़ कर पाएंगे जी। देखा जा रहा है कि अभी चुनाव तो आने में भी काफ़ी समय है, लेकिन गठबंधन का एक दौर चल रहा है, पार्टियों का गठबंधन, जैसे आपने देखा फोरम और नया शक्ति पार्टी का हुआ गठबंधन हुआ, क्या आपकी भी पार्टी किसी के साथ गठबंधन करने जा रही है, स्वतंत्र रूप से ही आगे काम करती रहेगी? देखिए, राजनीतिक है, राजनीतिक में ये गठबंधन का दौर, ये सब चीज़ तो राजनीति का एक हिस्सा है जी। अगर वैसे कोई परिस्थिति आ जाएगी जी, तो वो केंद्रीय कार्य समिति उस पर निर्णय लेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई विचार में नहीं है, ऐसी विचारधारा भी नहीं चल रही है आपके अंदर? अच्छा। नहीं चल रहा। क्या जो वर्तमान सरकार ओली सरकार है, नेकपा केंद्र में है, क्या आप उनका समर्थन करते हैं? ओली केंद्र सरकार में है, उसको तो हम लोग समर्थन भी नहीं करते और ना समर्थन भी नहीं करते। हम लोग का अपना लक्ष्य है जी, अपना सब कुछ है, जिसके लिए हम लोग कल तक संघर्ष किए थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मतलब जो आपका स्वतंत्र मधेश गठबंधन था, जो उस टाइम आपके उद्देश्य थे, उसी उद्देश्य को लेकर इसमें भी आप पार्टी को लेकर चल रहे हैं? स्वतंत्र मधेश गठबंधन का उद्देश्य तो उद्देश्य ही है, लेकिन उसको अब पार्टीगत हिसाब से नया विधान आया है, नया घोषणा पत्र आया है, नया उद्देश्य भी चेंज, एजेंडा भी चेंज हो, क्योंकि आप उस तरीके से काम नहीं कर सकते। संविधान हमारा है, वो संविधान के अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर सकते। उनमें लिखा गया है संविधान के धाराओं में कि सार्वभौम सत्ता जनता में निहित है जी, जनता जो चाहेगा जी वही होगा। इसीलिए हम लोगों ने भी जी अपना वैचारिक आधार स्तंभ जो बनाए हैं जी, उसमें एक लिखा है जन संप्रभुता जी, जो जिसका मतलब होता है कि जनता जो बोलेंगे जी वही हम लोग ओबे करेंगे। अगर जनता कल जो चाहेगी जी कि हमें स्वतंत्र मधेश की जरूरत है जी, तो वो हो जाएगा। कोई एक व्यक्ति का विचार देने से या एक व्यक्ति का संघर्ष करने से स्वतंत्र मधेश नहीं आ सकता जी, क्योंकि स्वतंत्र मधेश आने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की समस्या है, बहुत सारा समस्या है, जनता। आपने उस एजेंडा को फिलहाल छोड़ दिया और पार्टीगत आप वोटर्स पे छोड़ दिया है कि वोटर्स हमें जिता के लेके आए, तब उसके हम कुछ विशेष करेंगे, उनके अधिकार को दिलाने की बात करेंगे। जन संप्रभुता मतलब जनमत किस तरीके से मिलेंगे, उस तरीके से हम लोग भी आगे काम करेंगे जी। अभी वर्तमान में देखा गया है कि संविधान काला दिवस मनाया गया, क्योंकि उसमें मधेसी कुछ अधिकारों को, कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसे अभी तक केंद्र सरकार पूरा नहीं कर पाई, और काफ़ी काला दिवस भी मनाया, कुछ लोगों ने दिवाली बनाया। आपको क्या लगता है, मधेसी की जो मांगों को पूरा नहीं किया गया है, उनको आप लोग पूरा करने में समर्थ हो पाएंगे, उस स्थिति में आप पहुंच पाएंगे? देखिए, उस हर स्थिति में पहुंचने के लिए, अभी लोकतंत्र बोला जाता है कि हम लोग नेपाल के लोकतंत्र में रहते हैं जी, वो हर चीज़ तभी संभव हो सकता है जी, कि जब तक यहाँ की जनता जी जिस चीज़ का इच्छा करेगी जी वही चीज़ मिलेगी। अगर जनमत पार्टी का जो मतलब लक्ष्य है, विचार है,
उस चीज़ को अगर जनता सिरोधार्य करेगा, उस पर विश्वास करेगा जी, तो जरूर है कि जनमत पार्टी उसके लिए हर कुछ करेगा जी। सुरेंद्र मधेसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हमसे हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए जी। कोशिश है इनकी कि जनमत पार्टी को एक ऐसे मुकाम दिलाया जाए जो केंद्र में एक अपनी धमक पहुँच और अपनी पहुँच को पूरा कर सके और जनता की मांगों को उसमें शामिल किया जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।